यार धूप कहाँ है? धूप हो तो मैं थोड़ा सा इंट्रो शूट कर लूँ, निकाली रील्स बनाए। सो गाइज अभी मैं मेरी ताई जी के यहाँ आई थी, तो हम लोग अभी नीचे आए थे वॉक करने खाना खाने के बाद, एंड वो मेरी बुआ जी की बेटी है, तो अभी हम बनाएंगे कुछ रील्स। मैं नहीं बनाती लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरा काजल बहुत ज़्यादा फैल चुका है, एंड यहाँ बहुत ठंड हो रही है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एटमॉस्फेयर हो रखा है, गार्डन वगैरह है, तो अभी हम रील्स बनाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू रहना इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग को लाइक कर दो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। निकाल ली चल, हवा चल रही है यार, जहाँ की पर मेरे को लग रहा है मम्मी वगैरह गई ऊपर। चल तू निकाल, अपन बनाते हैं। अरे कितनी अच्छी जगह है ये, दैट प्लेस अच्छा है ना, तू यहाँ पे बना सकती है। आप तो फिर मैं कैसे आऊंगी, मम्मी पापा जा रहे हैं मुझे यहाँ अकेला छोड़ कर। हाँ मैं कैसे आऊंगी, हाँ मैं पढ़ूंगी तो फिर मैं कैसे आऊंगी, तो बाद में आ जाएगी बाबा। बाबा जी कितने बजे आएंगे? देर में आएंगे। दुनिया मेरी तू बाय पापा। जो मेरे लास्ट ब्लॉग में हुआ वो फिर से हो रहा है। मैं क्यों, मैं मेरा हो चुका ऑलरेडी, और तेज घुमा जैसे मुझे घुमाया था। बेटा मेरे साथ भी इन्होंने यही किया था, बोला मेरा फोटो खींच दो यहाँ पे, मैं चढ़ी हूँ मुझे घुमा दिया। लगेंगे 100 रुपए उतरने के, 100 रुपए 500 का नोट है उसके पास, सिर्फ 500 देगी वो उतरने के। सुन उल्टा घुमा, चक्कर आ रहे होंगे, हम उसको उल्टा घुमा दे, सीधे हो जाएंगे, वो भी उतर जाएगी ना बड़ा से। उतर नहीं पा रही थी, चल इतनी स्पीड है तो उल्टा घुमा, घुमा घुमा और तेज घुमा, जब मेरे को दया नहीं था इसके ऊपर क्यों दया। हाँ खड़ा हो, खड़ा हो, हो इसको खड़ा कर, चल इसको खड़ा कर, डरपोक। अब हम करेंगे हमारा थोड़ा सा फोटो सेशन, गोल्डन आवर हो रहा है धूप का, लाइए फोन दीजिए अपना। आपकी स्टोरी कितने लोग व्यू कर रहे हैं? ये है इनका आईफोन भैया, ये अमीर लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, ये इनका आईफोन है। इतना एटीट्यूड भाई, इतना एटीट्यूड। हेलो चल फोटोज खींचते हैं। ताई टिफिन दे दो मुझे, बाय। कहाँ है बुआ? सो हाय गाइस, अब मैं ताई जी के यहाँ से वापस आ चुकी हूँ, एंड अभी मैं फिर से जा रही हूँ कहीं पे, मतलब बीच में थोड़ी देर मैं घर पे ही थी, एंड अभी मैं जा रही हूँ बीबी, मैं जा रही हूँ बिग बाजार, बीबी मॉल याद आ गया बिग बॉस का, मैं जा रही हूँ बिग बाजार, थोड़ा सा सामान वामान लेना है।
सो गाइज मेरा ये बैकग्राउंड किस किस को याद है, लाइक मैं मेरे पुराने सेटअप पे अभी बैठी हुई हूँ, मैं वापस आ चुकी हूँ, इधर उधर घर पे कोई ना कोई है तो मैं अपनी जगह पे आके बैठी हुई हूँ। मैं घर पे वापस आ चुकी हूँ, मैं बिग बाजार से सामान लेके आई थी, वो सामान को हॉल मुझे नहीं करना, थोड़ा बहुत वहाँ पे आपने देख लिया होगा। एंड उसके बाद मैंने एक और शॉप से सामान लिया था जो मुझे बिग बाजार में नहीं मिला था। मैं थोड़ा सा एक कुछ वीडियो सोच रही हूँ कुकिंग शुकिंग का, जिसमें मैं थोड़ी सी बातचीत कर सकूँ, तो मुझे बताना अगर कुछ ऐसा वीडियो चाहिए। राइट नाउ आई एम हैविंग वेफर्स जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, ये जो वेफर्स के रोल होते हैं ना वो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। बाकी मैं अभी मेकअप वगैरह साफ करती हूँ एंड हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पर रेगुलर नहीं हूँ। एंड या अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लाइक किसके बारे में मुझे बात करनी है बता रही हूँ, मतलब मेकअप रिमूव कर रही हूँ, मैं करते करते बात करती हूँ। मैं अपना स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ, सर्दियों में स्किन केयर रूटीन तो पता नहीं होता ही नहीं है, जिसका हो जाता है बहुत बड़ी बात है, मेरा तो बिल्कुल नहीं हो पाता। लाइक ठंड बहुत लगती है, अभी भी लग रही है, लेकिन मैं पूरा दिन से बाहर थी तो ज़रूरी है ये सब हटाना फेस से, तो मैं फटाफट हटा लेती हूँ। बाकी काफ़ी सारी बातें करनी है मुझे। सच फेस पे कुछ लगाया नहीं था, बस मेरे को काजल बहुत अच्छे से साफ करना था एंड लिपस्टिक, बाकी मेरे फेस पे सिर्फ बीबी क्रीम लगा था बस, और कुछ भी नहीं है मेरे फेस पर। यस यहीं रुको, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अब तक नहीं किया है, यहाँ पे इमोजी आ जाएगा वो कमेंट कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आ रही हूँ फेस वॉश करके, जब तक ये सारे काम करो। ओके सो फेस तो मैंने वॉश कर लिया है, लेकिन यही चीज मुझे ठंड में बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लाइक अजीब नहीं लगती, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। आप में से कितने लोगों का स्किन केयर रूटीन हो जाता है इन सर्दियों में मुझे जरूर बताना, मेरा तो एक दिन स्किप हो जाता है कभी कभी, लाइक एक एक दिन मेरा स्किप हो जाता है। तो यार मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड जो मुझे बात करनी है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैंने ना मेरा न्यू चैनल बना लिया है, जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा है ये चैनल कहीं अटक गया है एंड बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स है, लाइक ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लाइक नॉट सब्सक्राइब्ड वाले ज्यादा हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, अगर देखते हो ना तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। एंड क्यों कर लो वो भी मैं बताती हूँ, मुझे मैंने बोला ना मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है। सो राइट नाउ मैं पहले स्किन केयर कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम, जस्ट बिकॉज फेस सीरम बहुत ज़रूरी है, लाइक फेस सीरम एंड मॉइस्चराइजर तो विंटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या मैं एक दो पंप लूँगी इसके। तो ये जो वाओ स्किन साइंस का हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, सो ये जो फेस सीरम है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूदन करता है, अगर आपकी ड्राई स्किन है उसको रिपेयर करता है, एंड अगर आपकी जो एजिंग स्किन है उसका भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है कि ये जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है एंड इसके जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं वो पैराबिन फ्री हैं, आपको कोई भी पैराबिन नहीं मिलेगा, सिलिकन नहीं मिलेगा, मिनरल ऑयल नहीं मिलेगा। सो ये जो फेस सीरम है मैं इसको एक मिनट का टाइम दूंगी मेरी स्किन में जगह बनाने के लिए कोई भी नेक्स्ट स्टेप करने से पहले। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दी थी कि मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, डीएम्स कहाँ पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, मुझे आगे वहाँ फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा सा अपडेटेड रहती हूँ बट यहाँ पे मेरा बहुत कम हो पाता है, तो इसलिए नहीं हूँ मैं अपडेटेड, जस्ट बिकॉज मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लगी रहती हूँ, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं YouTube भी कर पाऊँ एंड जो मेरा पढ़ाई है वो भी कर पाऊँ, जस्ट बिकॉज मुझे YouTube नहीं छोड़ना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा इसमें सपोर्ट किया करो, वीडियोस आके देख लिया करो एंड लाइक एंड कमेंट बहुत ज़रूरी है, लाइक आके देख लेते हो तो फिर भी आप कमेंट वॉमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कर दिया करो अगर देखते हो वीडियोस। तो मैंने आपको सारी कंडीशन मेरी बता दी मैं क्यों एक्टिव नहीं हूँ, स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारे वीडियोस अपलोड कर पाऊँ टाइम से, हफ्ते में एक तो कर ही पाऊँ जो मैं हफ्ते में दो करी थी, सो या 7-2 तो अच्छा रहेगा। तो या मैंने सारी अपनी कंडीशंस बता दी हैं मैं क्यों रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ रेगुलर रहने का, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस आके देख लिया करो। नेक्स्ट अप मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ सेकंड स्टेप सीरम के बाद, स्टिल थोड़ा सा ड्राइनेस फील होगा सर्दियों में, मुझे यूजली नहीं होता लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुझे ड्राइनेस फील होता है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जेल हाइलुरोनिक जेल, वाओ स्किन साइंस का ही है हाइलुरोनिक एसिड जेल। सो या दो स्टेप मैं आज करूँगी एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी मस्त सी है, जस्ट आपको ऐसे पंप आउट करना है, प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक पैकिंग है। मैं दोनों ही प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक करो एंड
इस वीडियो को लाइक कर दो एंड बाकी प्रोडक्ट्स चेक करो, वाओ स्किन साइंस, काफी अच्छे अच्छे उनके ऑफर्स चलते रहते हैं, उनका ऐप है खुद का प्ले स्टोर पे, आप इजीली परचेस कर सकते हो, बाकी प्रोडक्ट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट अब मैं यूज कर रही हूँ सेम रेंज का हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल, जो कि सीरम के बाद मैं यूज कर रही हूँ एंड ये आपकी स्किन को और ज्यादा मॉइस्चराइज करता है, जो सेकंड स्टेप चला जाता है आपके स्किन केयर में एंड आप इसको अपने मेकअप से पहले लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको लाइक ये रात में ही लगाना है, दिन में ही लगाना है, आप किसी भी टाइम लगा सकते हो। बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है इसका फॉर्मूला, जितनी भी आपकी फाइन लाइंस है उसको स्मूदन आउट करता है, आपकी स्किन को फर्म बनाता है एंड आपका कोई भी स्किन टाइप हो सब पे इजीली चल जाएगा। ओके फाइन, तो मैं आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक करो एंड काफी ज्यादा इजी रहता है इस पैकेजिंग से लेना, बहुत हाइजीनिक हो जाता है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज मेरी बात समझना एंड कुकिंग शुकिंग का मुझे याद से बताना कोई ऐसा वीडियो चाहते हो क्या, लाइक मैं सामान लेकर आई हूँ एंड मैं सोच रही हूँ मैं कुछ कुकिंग शुकिंग टाइप एंड बातचीत टाइप एक वीडियो बनाऊँ। कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपकी जितनी है आप लाइक मुझसे रिजेंबल कर पाओगे कि हाँ ठीक है, तो बताना मैं कुछ कुकिंग शुकिंग का वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं बातचीत वाला। बाकी या थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि आपको 110% दे पाऊँ, लाइक मैं खुद को 110% दे पाऊँ, वीडियोज अपलोड कर पाऊँ टाइम से। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कॉमेंट कर देना। या थैंक यू, बाय।